ग्रेजुएट लोगों का चाय और पकौड़ा बेचना सपना नहीं हो सकता है। अच्छा। या तो मजबूरी है, नहीं तो इसी के साथ साथ आगे जाना है। लोगों का काम है सर करना, तो लोग कहते रहेंगे, हम लोग अब पीछे भागते रहेंगे लोगों का, तो हम आएंगे ही नहीं रोड पर उतरते। टारगेट था बिहार SI दरोगा बनना। दरोगा बनना। तो उसमें मैं हाइट में चढ़ गई, मैंने किया प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके मैं हाइट में चढ़ गई 2 बार बिहार कांस्टेबल में। मुझे वर्दी वाली नौकरी बहुत अच्छी लगती है। क्रैक करना चाहती है, क्या बनना चाहती है BPSC क्रैक करने के बाद? BPSC क्रैक करके मैं SDM बनना चाहती हूं। हर चीज काम कर सकते हैं, चूल्हा पे भी खाना बना लेते हैं, गैस पे भी बना लेते हैं, इंडक्शन भी बना लेते हैं, हर काम हम कर लेते हैं। हम बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं। वाले से ज्यादा कमा रही है कि कम कमा रही है? और नौकरी वाले से तो इसमें ज्यादा ही लोग कमा रहे हैं। ना, मैं जब से ग्रेजुएट चाय वाली आई है तब से नए नए चाय वाली सामने आ रही है। जी हाँ, देख सकते हैं अभी पटना में पकौड़ी वाली आ चुकी है, और देख सकते हैं उनका दुकान का नाम है इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय एंड स्नैक अड्डा। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, ये पटना का बुद्धा स्मृति पार्क के बगल में ये इनका दुकान है, स्टॉल लगा के खड़ी हैं और पकौड़ी ताल रही हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है कि आपको पकौड़ी बेचना पड़ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि पकौड़ी बेच रहे हैं, वजह था हमको कि बस कुछ ना कुछ करना था बस, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि पकौड़ा को गलत तरीका से देखते हैं लोग, लेकिन हम नहीं मानते इसलिए बस। आप नहीं मानती कि छोटा काम है? नहीं नहीं मानते। आपने लिखा है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप नहीं सोचती हैं कि आप जब पकौड़ी जो तार रही हैं लोग क्या कहेंगे? लोगों का काम है सर करना, तो लोग कहते रहेंगे, हम लोग अब पीछे भागते रहेंगे लोगों का, तो हम आएंगे ही नहीं रोड पर, उतरते ही नहीं। अच्छा। अगर ऐसा सोचते तो इसलिए हम सोचे ही नहीं, हमको बस डिमेरिट को हटा के बस मैं अच्छी अच्छी बात पॉजिटिव सोच के हम आ गए बस। कोई भी लड़की अगर कुछ करना चाहती है तो सबसे बड़ा बाधा उनके परिवार आती है, परिवार को कैसे मनाई आप कि मुझे पकौड़ी बेचना है? नहीं, परिवार को पता नहीं था, परिवार को कैफे के बारे में पता था, कैफे के लिए मेरा रूम भी ठीक हो गया था, एडवांस भी हम कर देते, मेरा एडवांस का पैसा अभी भी फंसा हुआ है। मतलब आप पहले कैफे खोलना चाहते थे? हाँ, मिनी कैफे का प्लान था मेरा। अच्छा। जिसमें मैं खुद भी बनाऊँ, एक मैं कारीगर भी था मेरा, जो भाग गया, नहीं हो पाया तो नहीं आया इसलिए। और तो फैमिली को पता था कैफे वाला आइडिया, लेकिन उसके बाद वो फ्लॉप रहा, तो फिर हम सोच लिए कि जब हम अब कैफे वाला नहीं हो पाया तो हम अब स्टॉल खोलेंगे, लेकिन खोलेंगे जब। बड़ा यूनिक दिख रहा है इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय एंड स्नैक सेंटर, कहाँ से सोचा कि इंडिपेंडेंट ही नाम रखना है? हम इंडिपेंडेंट हैं सर, 2017 से हम इंडिपेंडेंट हैं। 2017 से? 17 के बाद आप स्वतंत्र नहीं थी क्या? उससे पहले भी हम स्वतंत्र थे ऐसा, लेकिन हम पैसा कमा रहे हैं 2017 से ही, पढ़ाई के साथ साथ। पढ़ाई के साथ साथ। अच्छा, तमाम जो लड़कियां हैं शुरू से ही रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग के ऊपर बॉन्ड नहीं रहा है, गांव से हैं लेकिन बॉन्ड नहीं रहा है, मम्मी पापा का भी बॉन्ड में नहीं रखा। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं? हाँ। क्या कर रही हैं आप? और डिग्री वाली पढ़ाई अब मेरी हो गई है, मैं BSc कर ली हूँ। ग्रेजुएट कर ली है? हाँ। बस ग्रेजुएट करने के बाद पकौड़ा बना रही हैं, बेच रही हैं, बहुत बड़ी बात है। अभी आप नौकरी का भी तैयारी कर सकती थी? नहीं, हम कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है, मैं मेरा टारगेट था बिहार SI दरोगा बनना। दरोगा बनना। हाँ। तो वो उसमें मैं हाइट में चढ़ गई, मैंने किया प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई करके मैं हाइट में चढ़ गई 2 बार बिहार कांस्टेबल में। मुझे वर्दी वाली नौकरी बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा। तो 2 बार हाइट में चढ़ गई बिहार कांस्टेबल में, 1 बार दरोगा में, फिर इसलिए मैंने BPSC को टारगेट किया, फुल फोकस है उस पर, लेकिन इसके साथ साथ उसको करना होगा। BPSC क्रैक करना चाहती है, क्या बनना चाहती है BPSC क्रैक करने के बाद? BPSC क्रैक करके मैं SDM बनना चाहती हूँ। SDM बनना चाहती हैं, बहुत बड़ी बात कह रही हैं आप, SDM बनके समाज को सेवा करना चाहती हैं? हाँ, वो मेरे पापा का सपना है, तो उसको भी पूरा करना होगा। पापा का सपना, ये किसका सपना है? ये सपना ग्रेजुएट लोगों का चाय और पकौड़ा बेचना सपना नहीं हो सकता है। अच्छा। या तो मजबूरी है, नहीं तो इसी के साथ साथ आगे जाना है, ये बोल सकते हैं। ये कोई ड्रीम नहीं होता है, ड्रीम होता है या IAS बनना है या SDM बनना है, वो सब ड्रीम बोल सकते हैं, इसको ड्रीम नहीं बोल सकते। मेरा ड्रीम नहीं था, क्या हम शुरू से सोचे थे कि इतने पैसे की क्यों जरूरत पड़ गई कि आपको ये दुकान खोलना पड़ा? पैसे की वो फैमिली का कंडीशन बोल सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड। ऐसा सुनने में आया कि अपनी बहन को आप UPSC क्रैक कराना चाहती हैं? UPSC? हाँ, वो पढ़ रहा है, अभी 12th करके आई हुई है, तो अभी पटना में ही क्लास कर रही है, जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं उसको दिल्ली भेज दूँ। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाया? तमाम लड़कियाँ, बिहार की लड़की आपको देख रही है, उनके लिए क्या कहना चाहती है, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाई आप? बहुत कॉन्फिडेंस की जरूरत है। हम शुरू से ही कॉन्फिडेंस में रहे हैं, मतलब हमको ऐसा नहीं है, हमको आप मैनेजेबल गर्ल बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट तो है ही, हम हर चीज़ काम कर सकते हैं, चूल्हा पे भी खाना बना लेते हैं, गैस पे भी बना लेते हैं, इंडक्शन भी बना लेते हैं,
हर काम हम कर लेते हैं, हम बाइक भी चला लेते हैं, कार भी चला लेते हैं, साइकिल भी चला लेते हैं। ग्रेजुएट किए हैं, कहीं भी आप पार्ट टाइम जॉब करके आप तमाम जो नौकरी की तैयारी वो कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब नहीं करना था, बस यही तो एक दिक्कत है। कितना कमाई हो जा रही है, खुश हैं आप? हाँ खुश हैं। नौकरी वाले से ज्यादा कमा रही है कि कम कमा रही है? और नौकरी वाले से तो इसमें ज्यादा ही लोग कमा लेंगे, ऐसा नहीं है। डेली का इनकम नौकरी वाले से ज्यादा ही है, लेकिन मुझे ये इनकम का कोई नहीं है। इनकम चाहिए मुझे बहन को शिफ्ट करने के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, थोड़ा फैमिली का कंडीशन ठीक करने के लिए, नहीं तो उसके बाद मुझे जॉब ही करना है। मानना पड़ेगा और दाग देना पड़ेगा इस लड़की को कि जो बाहर आई हैं, और इनका नाम पूजा है, और देख सकते हैं स्टेशन के बीचों बीच पे, ट्रेजर रोड के बीचों बीच पे स्टॉल लगा के पकौड़ा बेचना, साथ में चाय बेचना बहुत बड़ी बात है। इससे जो इनकम आए, अपनी बहन को UPSC क्रैक कराएं, और खुद SDM बनने का सपना है इनको, और उस सपने को लेकर आज देखिए पटना के बीच चौराहे पे पकौड़ा बेच रही है। तमाम जो बिहार की लड़कियां देख रही हैं आपको, उनके लिए एक कुछ मोटिवेशनल कुछ बोल दीजिए। बस कि किसी के ऊपर भार बोझ ना बनो, अपना काम करो। हाँ, जो तुमको सही लगे करो, लेकिन काम रास्ता अच्छा होना चाहिए। और हमको दूसरे को रास्ता गलत लगता होगा, लेकिन हमको नहीं, इसलिए हमें चुने हुए हैं। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। लोग बोल सकते हैं कि प्राइवेट जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो उसमें भी पैसा है, लेकिन हमको एक होता है ना सेल्फ, मतलब कि अब हमको प्राइवेट जॉब करना ही नहीं था। प्राइवेट जॉब करना ही नहीं है, जब करना सरकारी करना है। सरकारी करना है, नहीं तो भले ही सरकारी सरसाही जॉब करना है। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जज्बात हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। पकौड़ा का दुकान देखने में ही थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा, पर ये किस लिए खोली है ये बहुत बड़ी बात है। इनको SDM बनना, इसलिए आज देखिए पकौड़ा बेच रही है। फिलहाल देख सकते हैं मैं अभी फ्रेजर रोड में हूँ, और यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, इंडिपेंडेंट गर्ल द चाय स्नैक अड्डा। चाय के बारे में पूछना चाहूँगा, कितने प्रकार की चाय हैं आपके पास? चाय 11 टाइप के हैं, लेकिन 7-8 अवेलेबल हैं अभी। 7-8 अवेलेबल है, सबसे मशहूर कौन सा है? पान और मसाला चाय, चॉकलेट चाय। उसके साथ साथ पकौड़े में क्या वैरायटी है? पकौड़ा ब्रेड पकौड़ा है, कचरी है, आलू पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, पनीर, लेकिन पनीर अभी मंगाना है, आ जाएगा काम। इसके पीछे आपको कोई सपोर्ट भी कर रही है या खुद अपने आप सारा काम करती है? कोई नहीं, खुद कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। लाल आप भी आ सकते हैं, इनका चाय और स्नैक का लुत्फ उठा सकते हैं, और उनको SDM बनने में सपोर्ट कर सकते हैं। बहरहाल इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।